हमारी जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है दैट बेसिकली फोकस ऑन 1080p गेमिंग एज वेल एज ऑन हाई रिफ्रेश 1080p गेमिंग, क्योंकि यहाँ पे 1440p मॉनिटर्स और 2K मॉनिटर और 2K और 4K मॉनिटर्स काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। टेकिंग योर रिक्वेस्ट इनटू कंसिडरेशन, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप एक 60,000 रुपीज़ में हाई रिफ्रेश रेट केपेबल गेमिंग पीसी बना सकते हो अंडर जस्ट 60,000 रुपीज़। हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वल्कर टेक टिप्स। मेरे चैनल के ऊपर पीसी और पीसी रिलेटेड के बारे में बात करी जाती है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। सो पहले जो हमें स्टार्ट करना चाहिए दैट शुड बी अ CPU। CPU में आप ले सकते हो राइजन 3 का 3100। अब ये बेस्ड है राइजन के Zen 2 आर्किटेक्चर पे, जो कि प्रोमिनेंट प्रॉमिसिंग फैक्टर है, जो कि आपके एडिटिंग गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग ऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करा सकता है। ये पीसी आपके एडिटिंग और स्ट्रीमिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा केपेबल होने वाला है। कीपिंग इन माइंड ये CPU 4 कोर 8 थ्रेड है, कैसे करेगा मैं आपको बाद में एंड में बताऊँगा। बात करते हैं पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, बात करते हैं फिर इसके परफॉर्मेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पेसिफिकेशंस। सो हियर इज पैक्ड विद 4 कोर 8 थ्रेड CPU। इसमें आपको Zen 2 आर्किटेक्चर देखने को मिलता है विद अ 7 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी विच विल इंश्योर दैट यू विल हैव लेस पावर डिजाइन, लाइक इट विल हैव ओनली 120 TDP ऑल कोर 4 कोर 8 थ्रेड एंड इट हैज़ 2 कोर CCX। 2 कोर पर CCX है, इसमें 2 CCX आपको देखने को मिलता है विच कैन बी ईजिली रिजॉल्व यूजिंग अ हाई फ्रिक्वेंसी रैम। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 10100 को ये आराम से बीट कर देता है। एंड वही बात करें पहले के बारे में तो ये आपके 7700 के जो कि 25 से 26 हज़ार का आता था CPU उस तक को बीट कर देता है। तो सोच लो सो मच पावर, पावरफुल CPU कितना है ये CPU, जो आपका काम बहुत ज़्यादा इजीली आराम से स्मूथली करा सकता है ये। एंड ना सिर्फ इतना, ये सपोर्ट करता है AM4 सॉकेट को। सो इनफैक्ट अगर आप बाद में 5950X जैसा CPU या 5900X जैसा CPU में भी अपग्रेड करना चाहो यूजिंग AM4 सॉकेट, आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। अब जिसके साथ बॉक्स कूलर आता है, आई कैन नॉट प्रोमिस यू कि वो एक अच्छा कूलर है कि वो आपको अच्छे टेम्परेचर डिलीवर करे। सो इट्स योर ड्यूटी टू बाई अ न्यू आफ्टर मार्केट कूलर। सो इन दिस सिनेरियो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एक डीकूल का GAMX 400। अब ये CPU जो आता है ये ऑन लोड 180 TDP के साथ आ सकता है, जो कि Ryzen 7 3700X को भी आराम से चला सकता है। ये आता है एक 120mm के हीट सिंक वाले फैन के साथ, डिज़ाइन के साथ। एंड इसमें आपको 4 हीट पाइप देखने को मिलता है, जो कि इंश्योर करता है आपका हीट डिसिपेशन वाला काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो और एफिशिएंटली हो। एंड इसका सरफेस एरिया तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है, इतना अच्छा है कि 3600, एक वेग आइडिया दूँ तो 3600 को ये 60°C पर चला देता है ऑन ऑल कोल लोड ऑन IDA64। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एंड बॉक्स कूलर से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इन दोनों का मिला के आपको मिलता है अराउंड 9000 रुपीज़ इंक्लूडिंग कूलर। आपको GAMX 400 जो है वो आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा अराउंड फॉर 1200 रुपीज़। और वही बात करें आपके CPU के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा अराउंड वो 8000 to 8500 रुपीज़। अब ये तो बात हो गई CPU और उसके कूलर के बारे में। अब CPU को ठंडा रखने के लिए आपको एक अच्छा खासा आफ्टर मार्केट थर्मल पेस्ट भी यूज़ करना चाहिए। तो थर्मल पेस्ट जो आप यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो कूलर मास्टर का मास्टर मेकर मास्टर जेल, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आपका काफ़ी थर्मल डेंसिटी भी इसका काफ़ी अच्छा है, 11 MK वॉट है। अगर आपको जानना है कि कैसे आप थर्मल पेस्ट लगाना चाह रहे हो तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हो। एज वेल एज मैंने एक AIO पे भी वीडियो बनाई है, इनकेस अगर आपका मन हो तो वो भी आप जाके देख सकते हो। हम लोग ना स्टेप बाई स्टेप बिल्ड कर रहे हैं। तो CPU हो गया, कूलर हो गया, थर्मल पेस्ट हो गया, अब इसको लगाएंगे किस पे, मदरबोर्ड पे। तो चलो मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो मदरबोर्ड के लिए आप ले सकते हो B450 Tomahawk Max। अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोर्ड है, अगर इसमें आप Ryzen 9 तक भी चलाना चाहो ये CPU ना आराम से हैंडल कर पाएगा। एंड एज वी ऑल नो कि Ryzen का जो Zen 3 है वो सेम परफॉर्मेंस पर वॉट पे आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, बट जिसका वॉट रहता है टोटल बोर्ड पावर रहता है वो ऑलमोस्ट उसका सेम ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के आपको देखने को मिल नहीं रहा।
सो ये सबको ज़्यादा पावर कंजम्पशन में आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। सो इनफैक्ट मैं से ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी 5900X जैसे CPU को भी चला देगा इनकेस अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहो। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ नाउ फॉर राइजिंग 3100 के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है 4 कोर का V कोर VRM एंड 2 फ्लेस का आपको SoC VRM देखने को मिलता है। जो आपका 4 कोर है वो आपके CPU के लिए होता है, 4 V कोर फॉर CPU एज वेल एज जो 2 SoC है वो आपके RAM के लिए पावर डिलीवरी होता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एंड इसमें आपको एक 4 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड देखने को मिलता है तो ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें अगर आप फ्यूचर में और RAM अपग्रेड करना चाहो इनकेस अगर आपको और अच्छे FPS चाहिए लाइक FPS तो बढ़ेंगे नहीं बट अगर आपको बेटर 1% लोस चाहिए तो आप इनफैक्ट और RAM ऐड कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके PCIe Gen लेंस के बारे में तो इसमें आपको PCIe Gen 3 का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि अभी तक भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है एंड अगर आप इसमें SSD भी तो अलग NVMe अच्छी खासी तो भी आपको ब्लेजिंग फास्ट स्पीड देखने को मिल सकती है। ये हो गया मदरबोर्ड के बारे में और ये आता है एक ATX फॉर्म फैक्टर के साथ तो अगर आपको एक बड़ा चढ़ा अच्छा चाहिए देन दिस माइट बी राइट चॉइस फॉर यू। हीट सिंक के बारे में बात करूँ तो हीट सिंक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। MOSFETs के इधर आपको एयर फ्लो का देखने को मिलता है जो कि आपके फैन के इधर से इट कैन ईजिली कूल योर MOSFETs सो दैट योर VRM runs cool। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में तो ये प्राइस में अब काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है जैसे आपको पता है पहले ये 13,000 रुपये का देखने को मिलता था अभी आपको 10,000 रुपये देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोर्ड है। अब ये तो हो गया मदरबोर्ड के बारे में, बात करते हैं रैम के बारे में तो रैम के बारे में आई डोंट थिंक मेरे को ज़्यादा बात करना चाहिए जस्ट मैं तरह से सजेस्ट कर सकता हूँ दैट यू शुड टेक Corsair Vengeance RPX 8 2 3000 MHz का किट, एटलीस्ट 3000 MHz का लो, उससे नीचे लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और 8 2 लेना तो ताकि आपका डुअल रैंक में चले एंड आपको एडिशनली बेनिफिट देखने को मिले FPS में तो। और ये इसमें सैमसंग का BDI यूज़ हुआ है तो आपको मेमोरी ओवरक्लॉकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अब ये हो गया अपना ओवरऑल मेन डिज़ाइन के बारे में हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में आप ले सकते हो RTX 2060। अब ये RTX 2060 जो है ना ये आपका 1080 GTX 1080 जितना पावरफुल है। हालांकि अगर आगे अब आपको जैसे कि आपको पता है NVIDIA ने और AMD ने दोनों अपने नेक्स्ट जनरेशन कार्ड्स निकाले सो इन फ्यूचर अगर आपको देखने को मिलता है इसी प्राइस रेंज में अगर आप इसको फ्यूचर में वीडियो में देख रहे हो अगर आपको इसी सेम पावर में देखने को मिलता है तो आप डेफिनेटली 3060 के साथ जा सकते हो वो ज़्यादा और होगा बट अभी जो बिल्ड कर रहे हैं वो 2060 आप यूज़ कर सकते हो। तो 2060 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 12 नैनोमीटर का प्रोसेस टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है जो कि हाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है आप इसको ले सकते हो। अब इस आपको जो इसमें कूडा कोर्स देखने को मिलते हैं वो 1920 कूडा कोर्स देखने को मिलते हैं 1920 GTX 1080 देखो सिमिलर हुआ ना। इसमें आपको जो मेमोरी बस देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 14 GBPS की मेमोरी क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है एंड इसकी जो मेमोरी बस है वो 192 बिट है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और आपको इसमें जो मेमोरी बस देखने को मिलता है मेमोरी बस इसका 192 है बट इसका मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो है 336 इसमें आपको बैंडविड्थ देखने को मिलता है जो कि इंश्योर करेगा कि 1080p गेमिंग स्मूथ होई साथ ही साथ आपका 2K की भी गेमिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ होई। 6GB GDDR 6 VRAM देखने को मिलती है जो कि 1080p गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। ये हो गया ग्राफिक कार्ड के बारे में। अब जब मैं बात कर ही रहा था कि ये आपकी एडिटिंग और स्ट्रीमिंग कैसे करा सकते हैं तो एडिटिंग और स्ट्रीमिंग के लिए आप ऑफकोर्स ट्यूरिंग एनकोडर ले सकते हो। ट्यूरिंग एनकोडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये इंश्योर करेगा कि आपका सारा लोड ना GPU पे जाए और ना कि CPU पे एंड ये पुराने पास्कल एनकोडर से ना अप टू 15% ज़्यादा एफिशिएंट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है आप जाके ले सकते हो। अगर आपको कोई भी पसंद आता है आप जाके ले सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। ये अराउंड आपको 25,000 रुपीज़ का कॉस्ट करेगा। अब बात करते हैं केस के बारे में जिसमें आप इसको फिट करोगे तो केस में आप ले सकते हो एंटेक का DF500। फ्रंट में आपको 3 RGB फैंस देखने को मिलते हैं, फ्रंट में आप 360mm का रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हो एंड यू गेट सम वेंट्स फॉर बेटर एयर फ्लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फ्रंट में आपको एक्रेलिक पैनल देखने को मिलता है और एज वेल एज साइड में आपको एक
टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है विच इज 4 mm थिक, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। क्लियरेंस इश्यूज आपको नहीं आने चाहिए, बट आपको देख लो आप कौन सा CPU कूलर यूज़ करने वाले हो। मैं MX400 सजेस्ट करूँ तो एक आराम से फिट हो जाएगा। ऊपर की साइड आप 360 mm का रेडिएटर भी सपोर्ट कर सकते हो, एंड ये ATX फॉर्म फैक्टर को भी सपोर्ट करता है मदरबोर्ड को एज वेल एज EATX। इनफैक्ट आप Threadripper का भी इसमें बना सकते हो बिल्ड। अब बात करते हैं इसमें आपको पावर सप्लाई कौन सी देखनी चाहिए। तो पावर सप्लाई में आप ले सकते हो GigaByte की B700H, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर सप्लाई। इसमें आपको अच्छे खासे कैपेसिटर्स देखने को मिलते हैं, गुड क्वालिटी कैप्स एंड बेटर एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें आपको 80+ ब्रॉन्ज देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये आपके इवन 3070-3080 तक को ही हैंडल कर लेना चाहिए आराम से। अब बात करते हैं इसके हार्ड ड्राइव के बारे में। तो हार्ड ड्राइव में आप ले सकते हो 1 TB की हार्ड ड्राइव, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सफिशेंट है, सारे आप अपने गेम्स और इसमें स्टोर कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाद में जाके एक 240 GB नहीं ले सको, लेना ही मत 240 GB, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपके मेमोरी खाने वाली है, विंडोज अपग्रेड्स आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं, एंड इनफैक्ट आपके गेम स्टोरेज भी अब 250 से ज़्यादा जा रही है, एंड SSD इन चिप। सो आई एम रिकमेंडिंग यू कि गो फॉर 1 TB इन फ्यूचर। अभी थोड़ा शांत बैठो, 240 GB से अभी कोई काम नहीं होने वाला, 1 TB का आराम से मज़े ही लेना। तो इसी के साथ मैं बिल्ड को एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसी को लाइक करो, शेयर करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। हाँ, अब चलो एंड करता हूँ। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।